आपको बताएं कि सिंध में सेनेट इंतखाबात के लिए जोहरानों और ईशाइयों के बाद अब बात जाती मेल मुलाकातों तक आन पहुंची है। पीपल्स पार्टी की जानिब से एमकेएम को यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की सूरत में सिंध से दो नशिस्तों की पेशकश ने तहरीक इंसाफ और जीडीए की परेशानी में इजाफा कर दिया है। ऐवाने बाला में होगा किसका बोलबाला, सेंट इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़ जारी। पीटीआई ने कराची में अपने इत्तेहादियों को खाने पर बुलाया लेकिन एमक्यूएम ना आई, तंजीमी मसरूफियात का बताकर शिरकत से माजरत कर ली। सारे जो हमारे एमपीएस हैं और जीडीए के और पीटीआई के एमक्यूएम वालों को भी बुलाया था, शायद उनकी कोई मीटिंग हो रही है इसलिए वो नहीं आ सके, लेकिन बाकी सारे इधर आए। पीटीआई ने तो एमक्यूएम की गैर हाजिरी को संजीदा ना लिया लेकिन जीडीए ने सूरत हाल को भांप लिया। पीर पगाड़ा ने अलीगौर महर के घर बैठक लगाई, सेनेट उम्मीदवार सैफुल्ला अबड़ो को खुसूसी तौर पर बुलाया गया। वफाक में पीटीआई की इत्तेहादी और सिंध में पीपल्स पार्टी को लचक दिखाती एमक्यूएम बजायर वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर अमल पैरा है। हमें पाकिस्तान के अंदर सियासत की उतनी जरूरत नहीं है जितनी सियासत को एमक्यूएम की जरूरत है कि तादाद में हमारी ताकत नहीं छुपी, ऐवानों की ताकत हमसे है। एमक्यूएम ने फिलहाल तो किसी को भी वोट देने का फैसला ना किया लेकिन ये बात तय है कि ये वोट ही ऐवाने बाला में हुकूमत या अपोजिशन की बालादस्ती का फैसला करेंगे। रफत सईद, आज न्यूज, कराची।